मैं स्टार्ट कर रही हूँ, सेंटीमीटर में बता रही हूँ, ठीक है? आप लोग इंचेज में करना। जैसे कि स्कर्ट लेंथ है 40 इंच, सो 40 इंच पे मार्क करना है। 5 इंच पे मतलब चलो हिप के लिए हिप मार्क कर रही हूँ, हिप लाइन। सिक्स इंच वेस्ट राउंड मतलब 15 सेंटीमीटर, और 7 इंच हिप राउंड बॉटम। सिक्स इंच को मिलाते हैं। सिक्स इंच सॉरी यहाँ पे मैच करना था। ठीक है, अब इसको कट करेंगे, यहाँ पे डार्ट डालेंगे। मैं छोटा सा स्कर्ट है इसमें, तो मैं 2.5 इंच पे 2.5 इंच पे डार्ट डाल रही हूँ। अब बड़े साइज में सेम प्रोसेस करना जैसे करते हो, 3 इंच दोनों साइड पे, 1 1 इंच। सेम इसी साइज का आपको बैक साइड कट करना है, आपको सेम पीस बैक कट कर लेना है। मैं बैक पीस नहीं कट करूँगी फैब्रिक पे, है ना, सिर्फ मुझे फ्रंट का नोट समझाना है, तो सिर्फ फ्रंट वाला पैटर्न कट करेंगे फैब्रिक पे भी, ठीक है? डार्ट को क्लोज करेंगे, इसके ऊपर इस तरीके से ओवरलैप करके इसको स्टिच कर सकते हो पैटर्न पे, ठीक है? इस स्कर्ट में सेंटर पे है नोट, है ना? हाँ जी मैम। हाँ, तो सेंटर से ड्राफ्टिंग करेंगे, चाहो तो सेंटर लाइन पे इस तरीके से मार्क कर सकते हो। एक साइड पे आपको ऊपर से वेस्ट से नीचे 15 सेंटीमीटर, बड़े स्कर्ट में 15 इंच आप कर सकते हो, ठीक है? 15 सेम मैंने रखा है। मैम हिप लाइन तक से कितना, 2-3 इंच नीचे? हाँ जी हाँ जी। या फिक्स से 15 इंच? हिप लाइन से 2-3 इंच नीचे कर लेना, ठीक है? एक साइड पे 15 किए तो दूसरे साइड पे मैं 17 करूँगी, ठीक है? ठीक है। तो 17 सेंटीमीटर यहाँ पे मैंने कर लिया। सेंटर से आपको मार्क करना है 12 कर लेते हैं, 12 सेंटीमीटर। मीन्स हिप लाइन से नीचे, सपोज आपने ऊपर से यहाँ पे 9 इंच रखा है, तो यहाँ पे आप रख लेना 1 इंच कम, जैसे यहाँ पे 6 इंच और यहाँ पे मैंने मार्क किया है 5 इंच, ठीक है? सेंटर पे 1 इंच कम, इंचेस में है मैम। वहां से आपने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है, 19 लिया है। हाँ, यहाँ पे 15 सेंटीमीटर, यहाँ पे 17 सेंटीमीटर, और सेंटर पे 12 सेंटीमीटर, ठीक है? हाँ, मीन्स ये वाला आपने 9 लिया है, तो ये आप ले सकते हो 10 10 लोगे ना, 2 इंच नीचे करना है, 11 लोगे, 11। हाँ, और यहाँ पे 9 है, तो यहाँ पे आप फिर 7 ले लेना, 7 लेंगे, ठीक है? ओके, 2 इंच लेस कर देंगे। हाँ, ये मार्किंग हो गई हमारी। अभी इस साइड में आपको 6 सेक्शन बनाने हैं और 6 इधर पे भी बनाने हैं, तो आपको इसमें डिवाइड कर लेना है 6 लाइन में। देखो कितने कितने इंच का बनता है, एक दो तीन चार पाँच छः, 6 इधर और सेम 6 लाइन इधर भी आपको ड्रॉ कर लेनी है, 3 4 5 6। एक एक इंच के डिस्टेंस पे आपको लाइन बनानी है, बड़े में आप 2-2 इंच लेंगे, ठीक है? ठीक है मैम। सेम है ये। अभी यहाँ पे भी आपको 6 लाइन बनाने होंगे, जैसे हमने इधर 6 सेक्शन में इसको डिवाइड किया, सेम इधर भी, सेम सेंटर पे भी करना है। इसमें स्पेस थोड़ा, इसमें मैंने 1-1 इंच लिया है, इसमें कम लेना होगा क्योंकि ये स्पेस अपने पास कम है।
एक दो तीन चार पाँच, यहाँ पे हाफ इंच से थोड़ा ज़्यादा रख सकते हैं तो हमारा आ जाएगा ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है 1/2 है, 1/2 इंच सारा। सिक्स सेक्शन में यहाँ भी डिवाइड करना है 9 इंच को, यहाँ भी सिक्स सेक्शन और यहाँ पे भी सेम 6। अब इन सब पॉइंट को एक दूसरे से आपको मिला लेना है, ठीक है तो चलिए मिलाते हैं। देखो अब इन सबको कट करेंगे सेंटर लाइन से साइड की तरफ, ये जॉइंट रखना है पेपर को, पूरा कंप्लीटली कट नहीं करना है। पहले मैं एक साइड का बता लूँ फिर दूसरे साइड का बताएंगे। तो ये नंबर 1 और ये पैटर्न नंबर 2। अभी इसमें से 1 2 3 लाइन को कम्प्लीटली अलग कर लेना है, दोनों पैटर्न दोनों ये अलग पीस कर लेना है और इस पीस को अलग कर लेना है, ठीक है। और इसको दूसरे पेपर पे स्टिक करेंगे और फाइनल पैटर्न हो जाएगा हमारा पैटर्न नंबर 1। अभी ये इनकम्प्लीट है, ठीक है, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? नो मैम। सो नो मैम मैं यहाँ इसको कर लूँ। अगर आपको कन्फ्यूज़न होगा वेस्ट अगर अभी इधर इसको स्टिक करेंगे हम, ठीक है, दूसरे साइड पे, तो आप पहले इसके नेम को यहाँ पे इंडिकेट कर लो ताकि बाद में फिर आपको प्रॉब्लम ना आए। जैसे कि ये हमारा वेस्ट लाइन है, सो मैं यहाँ इसको लिख देती हूँ पहले, ये वेस्ट हमारा और ये हो गया सेंटर फ्रंट लाइन, सेंटर फ्रंट हो गया ये और ये भी सेंटर फ्रंट। अभी इसको दूसरे पेपर पर स्टिक करते हैं। इन सभी के बीच में आपको यहाँ पे गैप रखना है, 2-2 इंच रख सकते हो आप गैप, ठीक है। यहाँ पे ये देखो ये हमारा साइड लाइन है और ये सेंटर फ्रंट लाइन है। इस तीन पीस को मैंने अलग किया है, तीन स्लाइस को, इसको आपको यहाँ से उठाना है और यहाँ पे प्लेस कर देना है, ठीक है। सेम डिस्टेंस सेम स्पेस दोनों स्लाइसों के बीच में, यहाँ पर भी और इस साइड में भी आपको रख लेना है। अच्छा मैम, ये नोटेड फैब्रिक जैसे नोटेड टॉप आता है हमारा ट्विस्टेड टॉप, ये वैसे बन जाएगा? हाँ जी। इस तरीके से आपको स्टिक करना है, यहाँ पे आपका 1 इंच का स्पेस रह जाएगा। अभी इस लाइन को आपको यहाँ पे कर्व शेप में ड्रॉ कर लेना है और यहाँ का जो जॉइंट है इसको इस तरीके से मिला देना है, ये फिर आप यहाँ से इसको कट करेंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला एरिया पैटर्न नंबर 1 अब कंप्लीट होता है। सेम इसी प्रोसेस से पैटर्न नंबर 2 को कंप्लीट करेंगे, तो इसमें भी अभी मैं सेंटर से साइड को कट करूँगी और 3 स्लाइस को अलग करेंगे और सेम जैसे हमने इस सेंटर फ्रंट लाइन की तरफ बाकी के पार्ट को स्टिक किया है, तो सेम इस वाले भी पार्ट को सेंटर फ्रंट लाइन के साइड पे स्टिक करेंगे। ओके हम पूछेंगे ना, ये भी वैसे चिपकाना है ऐसे। तो यहाँ से भी जैसे हमने यहाँ से 3 स्लाइस को अलग करा, सेम इस साइड पे भी अलग करेंगे और इसको सेंटर फ्रंट लाइन के साइड पे इस तरीके से लेके आएंगे। ओके ठीक है।
यहाँ पे ये स्टिक हो जाएगा क्या, स्पेस है यहाँ पे? पहले एक काम करती हूँ, मैं इसको कट कर लेती हूँ, इस साइड का आप समझ गए ना? हाँ मैं उल्टी साइड से चिपका लूँ ना इसको। हाँ तो ठीक है, तो ये अब इसको साइड रखते हैं और दूसरा वाला कंप्लीट करते हैं। ओके मैम। इसको भी नीचे वाले साइड को कर्व शेप में कंप्लीट करना है और ऊपर वाले को ये ज्वाइन करना है, बाकी इसे कट कर लेना है। तो पैटर्न नंबर 2 भी हमारा रेडी है। सो अभी कंप्लीट हमारे पास पैटर्न रेडी है। मैं बैक का नहीं बता रही हूँ, पहले ही बताया मैंने, है ना? इसमें कहीं पे कंफ्यूजन है आप लोगों को पैटर्न में? नहीं नहीं प्रतिभा तुम्हें बता दे भाई। नहीं मैम को लगेगा तू सो गई है। यही हूँ बस, अभी आई थी तो अभी इसलिए कम बोल रही हूँ। तो अब इसको फैब्रिक पे कट करेंगे और ये वाला पार्ट देखो, ये हमारा वेस्ट अभी यहाँ पे है ना, तो ये फैब्रिक पे जब कट करेंगे तो ये जो पार्ट है ये दोनों ऐसे स्टिच हो जाएगी। यहाँ से यहाँ तक एक साइड को स्टिच करेंगे, थोड़ी सी स्पेस यहाँ पे रखेंगे 1 इंच का, ठीक है? और यहाँ से यहाँ तक इसको स्टिच करेंगे, एक साइड का हमारा हो गया। फिर दूसरे साइड के फैब्रिक को इसके अंदर डालना है और इसको भी इस साइड फोल्ड करके और इसको भी स्टिच कर देना है। तो हमारा यहाँ पे एक नोट क्रिएट हो जाएगा और नीचे का ये जो सेंटर फ्रंट लाइन है इसको आप जॉइंट कर देंगे। आप चाहे तो यहाँ पे फ्रंट पे स्लिट रख सकते हैं और अगर नहीं रखना है तो आप इसको जॉइंट कर देंगे। मैम एक क्वेश्चन है, जैसे कि हमने ये स्लिट खोला है, तो जैसे कि हम फैब्रिक पे करेंगे तो हमें थोड़ा थोड़ा सिलाई का मार्जिन छोड़ना है या ऐसे ही स्लिट जोड़ देना है? पैटर्न पे तो मार्जिन नहीं रखते हैं ना, बट हाँ। आपको स्लिट ऐड करना है या फिर स्टिच करना है, मार्जिन आपको रखनी ही पड़ेगी। हाँ स्टिचिंग में भी आपको हाँ 1/2 इंच मार्जिन रखनी पड़ेगी, क्योंकि अभी इन दोनों को हम लोग ऐसा स्टिच करेंगे, सपोज 1/2 इंच भी मार्जिन इसमें दबाते हैं तो 1 इंच फैब्रिक कम पड़ जाएगा, है ना? तो और ये हमारा मेन मेजरमेंट से है तो हमें यहाँ पे मार्जिन ऐड करनी होगी, इस साइड पे भी, इस साइड पे भी एंड इस साइड पे भी, ठीक है? क्यों मैं और ये बताओ, 2 इंच मार्जिन छोड़ना है इसमें भी? साइड फिटिंग के लिए आप 2 इंच मार्जिन रखना अल्टर के लिए, है ना? और 1 इंच भी रख सकते हो, लेकिन मैं तो 2 इंच रखती हूँ। और इस साइड पे आप 1/2 इंच रखेंगे, क्योंकि हमें 1/2 इंच से ही फिनिश करना है स्टिच, तो 1/2 इंच फैब्रिक ही दबाते हैं। और अगर स्लिट को भी फिनिश करेंगे तो अंदर की साइड पे फोल्ड करके फिनिश करेंगे ना, तो आपको नीचे की साइड 1 इंच लेना होगा अगर आप स्लिट रख रहे हो तो, और सिर्फ स्टिचिंग कर रहे हो नीचे तक, तो आप 1/2 इंच मार्जिन ऐड कर सकते हैं। वेस्ट पे भी आपको 1/2 इंच ही ऐड करना होगा, क्योंकि वेस्ट पे भी तो 1/2 इंच ही स्टिच में जाती है। तो चलो रफ फैब्रिक पे ट्राई करते हैं इसको। सबसे पहले मैं पैटर्न नंबर 1 कट कर रही हूँ। ये वेस्ट वाला पार्ट है यहाँ पे, है ना? तो यहाँ पे आपको एक नॉच डाल लेनी है ये पैटर्न से, पैटर्न नंबर 1 पे। मैम नॉच नॉलेज के लिए कि यहाँ से वो है? हाँ हाँ। और ये है हमारा सेंटर फ्रंट। इसको अभी यहाँ से ऐसा फोल्ड करेंगे पैटर्न नंबर 1, और यहाँ से इसको यहाँ तक स्टिच करेंगे। 1 इंच यहाँ पे फैब्रिक को
स्टिच नहीं करना है, ठीक है। यहाँ से साइड से आपको यहाँ तक स्टिच कर लेनी है। ये इस तरीके से बनेगा। और अब इसको डालना है इसके अंदर। और इसको यहाँ से यहाँ तक स्टिच कर लेना है। अब इसको सीधा करते हैं। ये देखो वेस्ट सेम ऐसा ही है, ऊपर ऊपर से ये नोट आ रहा है। अभी ये वाला साइड की स्टिच है, तो इसको आपको इस तरीके से रखना है। और अगर आप स्लिट ऐड करते हो तो स्लिट के लिए नीचे से आप फैब्रिक छोड़ो जितना आप स्लिट चाहिए, और यहाँ से फिर आपको यहाँ तक स्टिच करना होगा, ठीक है। यहाँ तक मैं पूरा कंप्लीट इसको बंद कर रही हूँ। इसमें बेल्ट कैसे लगेगी? बेल्ट इसमें नहीं लगेगी, यही तो आपको फिनिश करना पड़ेगा ऊपर की तरफ। ये जो वेस्ट है हमारा, पहले जैसे कि हम इस पे सिलाई लगा रहे हैं, तो हाँ, हम पहले जो आपने आधा इंच का मार्जिन छोड़ा पहले हम उसको पहले अच्छे से फिनिश कर ले। हाँ ठीक है।